आरटीआई एक्टिविस्ट मृणाल शुक्ला और भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ टीआई मंजू लता राठौड़ ने शिकायत दर्ज कराई है। दोनों पर टीआई को धमकाने का आरोप है। टीआई मंजू लता राठौर का कहना है कि 6 फरवरी की रात को स्थायी वारंटी रितेश ठाकुर को गिरफ्तार करके थाने लाया गया था, जिसके बाद दोनों मेरे कक्ष में आए और तेज लहजे में गिरफ्तारी वारंट रितेश ठाकुर को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। वहीं कैलाश शुक्ला और प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने किसी भी तरह की अभद्रता से इनकार किया है। इस नोटिस की खींच का ही जो परिणाम है, परिणति है, मेरे विरुद्ध जो है फर्जी एफआईआर की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, एफआईआर इसलिए भी हो संदेह के दायरे में है क्योंकि एफआईआर 2 दिन बाद की जाती है। अगर इतना संज्ञेय अपराध था या मैंने अगर बदतमीजी की या मैंने सार्वजनिक जीवन में कभी ऐसा कोई उदाहरण आज तक नहीं आया, तो पुलिस को देखिए तुरंत एफआईआर